Hello and Namaskar. Welcome to NCRT's Live Interaction. This is Simran Singh. You all are watching us through PM eVidya channel number 10, or you can also view this particular session on our YouTube channel, that is NCRT Official. As you know, we bring you like regular sessions to enhance your understanding regarding different subjects. So for today, our session is for class 10th. The subject that we'll be discussing is social science, and our topic of discussion remains very important, as we'll have a discussion over money and credit. For that, we are also joined by an expert in the studio. Let me introduce him to you. We have with us Mr. Sushil Kumarji. Namaskar, sir. Namaskar, ma'am. Welcome to NCRT. PM eVidya channel dekhne wale sabhi darshakon ko mera bahut bahut pyar. Sure. Sir is currently serving at Kendriya Vidyalay, Asansol, West Bengal. He has joined in from the studio. If you have any questions, you have any queries, you can always reach out to us at our contact number that is there on the screens. 8800440559. As it's our live interaction for class 10th, so we also have our mail ID for all of you. Feel free to write to us at dth.class10th@ciet.nic.in. Now, Sushil sir, I think money remains an important aspect in the economy of a country or otherwise. So what all important topics we'll be covering under this particular session? Ji ma'am. So once again, बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है पी एम ई विद्या चैनल पे. जैसा कि मैम ने कहा अभी, मनी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ. बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग टुवर्ड्स द चैप्टर, टुवर्ड्स द सेशन, एक्चुअली आई वांट टू इंट्रोड्यूस सम फैक्ट्स अबाउट द लाइफ. एज वी ऑल नो, ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट स्किल्ड लिविंग बींग्स. ह्यूमन बींग्स जो हैं सबसे ज़्यादा स्किल्ड लिविंग बींग्स होते हैं, बट ऑन द अदर साइड दे हैव टू डिपेंड अपन सेवरल लिविंग बींग्स, ह्यूमन बींग्स फॉर डिफरेंट देयर नीड्स. और सवाल यहीं से आता है कि ये जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, जो उनकी नीड्स होती हैं, वो पूरे कैसे होती हैं. सपोज टुडे यू हैव टू बाई ए न्यू शर्ट, टुडे यू हैव टू बाई ए न्यू मोबाइल, bicycle, anything else, you will go to the market, just pull your purse and give the money whatever they required. So 500,000 जो भी वो मांगेंगे आप वो रुपये निकालेंगे और उसका पेमेंट कर देंगे. और इसे ही हम मनी के नाम से जाते हैं. जो भी चीज़ें हमें जरूरत पड़ती हैं हम वो पैसे दुकानदार को देते हैं, बदले में दुकानदार वो सामान हमें दे देता है. बट माई क्वेश्चन हियर इज, आज हम लोग मनी के बारे में आसानी से जानते हैं, मनी को हम लगातार यूज़ करते हैं, लेकिन क्या एक सवाल है यहाँ पे, क्या मनी का इस्तेमाल हम सदा से करते आए हैं? क्या फ्रॉम द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग्स आर गोइंग टू यूज़ द मनी, और इज़ देयर एनी अदर मोड? सो इन दिस सेशन टूडे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट वाट वॉज द एंशियंट फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन्स. Then we'll see the limitations of that mode of transactions. Then money की शुरुआत कब से हुई, money कब introduce हुआ, money के क्या क्या functions हैं, क्या क्या uses हैं, and then bank की activities कैसे conduct होती हैं, bank कैसे काम करता है, इन सभी चीज़ों को हम इस session में आज पढ़ने की कोशिश करेंगे. श्योर, तो मैम शुरू करें हम? बिल्कुल शुरुआत करते हैं. हमारे पास एक प्रेजेंटेशन भी है, मुझे लगता है प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों को समझा सकते हैं. जी जी मैम. या सर, यू मे प्रोसीड. सो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया, हमें अपनी जरूरतों के लिए दूसरे लिविंग बींग्स पे निर्भर रहना पड़ता है. अब उन जरूरतों को हम कैसे पूरा करते हैं? हम उन चीज़ों को खरीदते हैं, उसके बदले में पैसे देते हैं. लेकिन मैंने कहा, जब मनी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, जब लोगों को मनी के बारे में जानकारी नहीं थी, तब लोगों ने किस तरीके से सामान की जो ज़रूरतें थी उसको पूरी की? बच्चों, दिस सिस्टम वाज नोन एज बार्टर सिस्टम, अ सिस्टम ऑफ ट्रांजेक्शन, ए मोड ऑफ ट्रांजेक्शन इन विच ए पर्सन इज डिपेंडेंट अपन अनदर पर्सन. ही यूज टू They used to transact their own good with the goods of another person. You can see the picture here. A person is having some sort of tomato and someone is having some food grains.
one person is giving to another and he is taking the commodity from the first person. So this mode of transaction is known as barter system, जहाँ बिना पैसे की मदद से जब लोग एक दूसरे से ट्रांजैक्शन करते हैं तो ऐसे सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहा जाता है। बच्चों, बार्टर सिस्टम की शुरुआत तब हुई थी जब लोगों को मनी के बारे में जानकारी नहीं थी और यू कैन से पीपल वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड अबाउट द मनी। तो इसका क्या मतलब है, क्या आज बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या आज भी हो रहा है? बच्चों, आज पर्टिकुलरली आज भी आप रूरल एरियाज में जाएंगे, आप कंट्री साइड में जाएंगे, आप फॉरेस्ट ड्वेलर्स के बीच में मिलेंगे, तो यू विल फाउंड कि आज भी वहाँ पे बार्टर सिस्टम प्रचलित है, आज भी लोग बार्टर सिस्टम के द्वारा ट्रांजैक्शंस करते हैं। बच्चों, बार्टर सिस्टम में कई ऐसी कमियाँ रहीं जिसके कारण धीरे धीरे इसका प्रयोग कम होने लगा और हमें मनी की आवश्यकता पड़ने लगी। सो सबसे पहले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बार्टर सिस्टम की क्या क्या कमियां रहीं। बिल्कुल। सो सी, द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम इज इट नीड्स डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब इसको सिमरन जी हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स मींस आपकी जरूरत और हमारी जरूरत, यानी हम दोनों अगर किसी मोड ऑफ ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो बार्टर सिस्टम में ये जरूरी है कि जो मैं ट्रांजैक्शन करना चाहता हूँ और जो आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, दोनों की ज़रूरतें एक ही होनी चाहिए। अब जब तक गांव छोटा था, लोगों की संख्या कम थी, तो ट्रांजैक्शंस आसान था क्योंकि लोगों को ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगना था। समय के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, गाँव का साइज बढ़ता चला गया। अब इस डबल कोइंसिडेंस को पूरा करना बड़ा मुश्किल हो गया। यानी अगर मैं चावल उगा रहा हूँ और मुझे कपड़े की ज़रूरत है, तो मुझे वैसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो कपड़ा बनाता है और साथ में साथ उसको चावल की ज़रूरत होनी चाहिए, राइस की ज़रूरत उसको होनी चाहिए, तभी वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल आएगा, हो पाएगा। और इसी को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी जो सामान आपको चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, जो सामान की मुझे जरूरत है वो आपके पास होना चाहिए। जी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में है कि जब तक दोनों की जरूरतें एक जैसी नहीं होती हैं, नहीं मिलती हैं, तब वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और जैसे जैसे बिजी लाइफ हो रहा है कि ट्रांजैक्शंस करने के लिए हमें व्यक्ति को फिर से ढूंढना पड़ेगा कि उसकी भी जरूरत एक हो और हमारी भी जरूरत एक हो, ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है ये एक इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम का ये बहुत ही बड़ा लिमिटेशन है। बिल्कुल। नाउ कम टू द सेकेंड लिमिटेशन। जी, यू कैन सी, या इफ यू मूव टू अ बिट प्रीवियस स्लाइड वी कैन हैव द सेकेंड वन। या सेकेंड लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम इज डिफिकल्टी ऑफ स्टोरिंग वैल्यू। What do you mean by term storing value? आज आप मनी के थ्रू ट्रांजेक्शन्स करते हैं, एक छोटा सा बटुआ, एक छोटा सा पर्स सभी लोगों के पास रहता है, उसमें वो कुछ पैसों से लेके हजारों की संख्या में करेंसी भी रख सकता है, आज कार्ड्स का इस्तेमाल करता है, लाखों का करोड़ों का ट्रांजेक्शन वो कर सकता है, उसमें स्टोरिंग की कोई समस्या नहीं होती। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या था? इफ समवन वांट टू ट्रांजैक्ट, उसको अपना सामान भी साथ साथ कैरी करना पड़ता था और वो सामान ना बिका तो मान लीजिए कोई 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूं या कोई अपना कैटल ले गया, उसको ट्रांजैक्शन करना है, फिर वो रखेगा कहाँ, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती थी। यानी बार्टर सिस्टम के ट्रांजेक्शन में स्टोरिंग एक बहुत बड़ी समस्या बनती थी जो मनी में नहीं रही। मनी के आने के बाद वो समस्या, उसका अंत हो गया। नाउ कम टू द थर्ड लिमिटेशन, यू कैन सी डिफर्ड पेमेंट आर डिफिकल्ट। अब बार्टर सिस्टम में क्या कर रहे हैं, हम चीजों को एक्सचेंज कर रहे हैं। अब जब मनी नहीं है तो किसी भी कमोडिटी का कोई सेंट्रल वैल्यू नहीं है। सपोज समवन वांट टू सेल और परचेज केटल एंड समवन वांट टू सेल और परचेज सम सॉर्ट ऑफ क्लोथ, सो विच वे दे कैन ट्रांजेक्ट देयर ओन गुड्स, कैसे वो ट्रांजेक्ट करेंगे, किस वस्तु कि कीमत कितनी होनी चाहिए, कितने कीमत में उसको वो ट्रांजेक्ट करेंगे, उनकी डिफरेंट जो अलग अलग जो कीमत होगी उसका वो पेमेंट कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम के साथ बना रहता है क्योंकि उसमें डिफर्ड पेमेंट पॉसिबल नहीं होता। नाउ नेक्स्ट इज सम गुड्स आर इनडिविजिबल। अब मान लीजिए कोई केटल खरीद रहा है
और बदले में अनाज से ही उसका कंपैरिजन करने हैं। अब केटल का अनाज के साथ कैसे शेयर करेगा, कितना अनाज देगा कि कितना उसको केटल देना पड़ेगा। अब अनाज की जरूरत कम है और केटल का जो है वैल्यू ज़्यादा है। अब ऐसा तो नहीं है कि अनाज को तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में चाहे जितना बांट के बेच सकते हैं, लेकिन क्या केटल को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं बेचने के लिए? इज नॉट पॉसिबल। सो इसमें से प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ चीज़ें क्या होती है, इंडिविजिबल होती है, जिसको हम बांट नहीं सकते, और इन सारे कारणों से समय के साथ साथ बार्टर सिस्टम का प्रयोग कम होना शुरू हो गया। और इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी कॉन्टेक्स्ट में मनी को इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता बहुत जोर शोर से होने लगी। सो नाउ आई थिंक इन द नेक्स्ट स्लाइड विल कम टू अस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मनी। हम इसमें समझेंगे कि मनी क्या है और मनी के क्या क्या उपयोग हैं, इनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जी, सो वी माइट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मनी, जैसे कि हमने देखा, ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, वेरियस इकोनॉमिस्ट एंड द गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड टू डिस्कवर न्यू फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शंस। इट रिजल्टेड इन सर्कुलेशन ऑफ मनी, और इसी का नतीजा क्या हुआ, मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, मनी का सर्कुलेशन होना शुरू हो गया। सो वॉट इज मनी? एनी थिंग विच इज यूज एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट इज कॉल्ड मनी। जिसको हम आसानी से चीज़ों को एक्सचेंज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफर्ड पेमेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके साथ स्टोरिंग प्रॉब्लम ना हो, ऐसा मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन ही मनी कहलाता है। नाउ मनी के फंक्शंस के बारे में बात करें, बेसिकली अभी जस्ट हमने जो बात किया, जो बार्टर सिस्टम के जो लिमिटेशंस हैं उसे हम मनी के फंक्शंस के रूप में देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले, इससे पहले सर हम फंक्शंस पे जाएं, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी सामने आती है, सर्कुलेशन ऑफ मनी, सर्कुलेशन, हाँ उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे बच्चों को समझाइएगा। सर्कुलेशन ऑफ मनी मीन्स, जैसा कि भी बताया आपने, बार्टर सिस्टम में क्या होता था, सर्कुलेशन ऑफ गुड्स होता था। हमने अपने गुड्स देके सामने वाले के गुड्स को ले लिया, इसमें क्या हुआ, गुड्स का सर्कुलेशन हुआ। जब करेंसी मनी जब इंट्रोड्यूस हुई तो क्या हुआ, अब हमने वस्तुओं के बदले में मनी को देना शुरू किया। जो मनी मार्केट में आने लगी, पहले लोगों के पास जो मनी पहुंची, या वो मनी मार्केट पहुंच रही है, फिर मार्केट से फिर बैंक में पहुंच रही है, बैंक से फिर लोगों के पास पहुंच रही है, द प्रोसेस ऑफ दिस एक्सचेंज ऑफ मनी इज नोन एज सर्कुलेशन ऑफ मनी। ओके, हाँ जी जी, ऑल राइट, वी कुड प्रोसीड। तो आई थिंक वी शुड गो अहेड। या तो हम जब फंक्शन ऑफ मनी की बात करें, तो मनी के फंक्शंस में जो पहला पॉइंट आएगा, वी कैन सी हियर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मनी द इजीएस्ट मोड ऑफ एक्सचेंज। आज हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता, एक छोटा सा छोटा बच्चा भी, घर के एक बच्चे को, घर में मम्मी खाना बना रही हैं, खाना बनाते समय अचानक से मम्मी या पापा कोई काम कर रहे हैं, काम करते वक्त अचानक से जोत पड़ा कि नमक खत्म हो गया, मम्मी ने 20 रुपए का नोट निकाल के दिया, करेंसी निकाल के दिया, बच्चे को जाओ बेटा बगल की दुकान से नमक का पैकेट लेके आओ, बच्चा आसानी से घर से नीचे उतरता है, नमक का पैकेट खरीद के ले आता है। क्यों? मनी ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज को बहुत ही इजीएस्ट मोड में बना दिया है, बहुत ही सिंपलेस्ट बना दिया। सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मनी इज इट मेक इजी टू एक्सचेंज द गुड। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में मनी सबसे पहले आता है। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में हमने वही बात की है, जैसे स्टोरिंग वैल्यू का जो प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम में, उस स्टोरिंग वैल्यू को इसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब हमें एक साइड में स्टोरिंग वैल्यू है, एक जगह पे जहाँ कमोडिटीज़ हम खरीद रहे हैं दुकानों में, वहाँ पे तो स्टोर का कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ स्टोर रह रही है चीज़ें, लेकिन दूसरी ओर हमें उसके बदले में कुछ स्टोर नहीं रखना पड़ रहा, हमें कुछ करेंसीज रखनी पड़ रही हैं, कुछ कार्ड्स रखने पड़ रहे हैं, हम चीज़ों को आसानी से एक्सचेंज कर ले रहे हैं। थर्ड में हमने देखा डिफर्ड पेमेंट। अब डिफर्ड पेमेंट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही, जैसे ही मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, हर एक वस्तु की एक सेंट्रल वैल्यू निर्धारित कर दी गई, डिसाइड कर दी गई। हम बाजार गए, हमने बिस्कुट का एक पैकेट लेना है, हमने दुकान वालों से पूछा व्हाट इज द प्राइस, व्हाट एवर द प्राइस इज 10, 20, 50, हमने उसे
10 का 20 का 50 का जो भी रेट है, हमने एक नोट दिया, हम अपना प्रोडक्ट अपने घर ले गए। दैट मीन्स यहाँ पे डिफर्ड पेमेंट जैसी कोई समस्या नहीं बन रही है, उस प्रॉब्लम को इसने दूर कर दिया। नाउ आई थिंक बच्चे बार्टर सिस्टम को और मनी के बारे में बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे, आगे जाएंगे, एंड दैट इज अबाउट द बैंक। सर, इससे पहले हम बैंक पर चर्चा करें, जिस तरह से आपने अलग अलग पॉइंट्स को हाईलाइट किया, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस रहे वही मेरिट्स रहे हैं मनी के। बिल्कुल, बार्टर सिस्टम के लिमिटेशंस को दूर करने के लिए ही मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। और जैसे कि हमने देखा होगा, पहले भी चर्चा की थी कि ये समस्या बार्टर सिस्टम समय के साथ साथ जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, ज्योग्राफिकल एरियाज विलेजेस के बढ़ते चले गए, शहरों के बढ़ते चले गए, तो ट्रांजेक्शन करना बार्टर सिस्टम से बहुत ही इम्पॉसिबल होता जा रहा था। और ऐसी स्थिति में नए मोड ऑफ ट्रांजेक्शन की आवश्यकता हुई और उसी कॉन्टेक्स्ट में मनी को इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि लोगों की जिंदगी और आसान, जिंदगी आसान बन सके। नाउ आई थिंक अब हम बात करते हैं बैंक की। बैंक है क्या? हर व्यक्ति, हमने क्लास नाइन्थ में भी पढ़ा, क्लास टेंथ में भी जो लास्ट चैप्टर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हमने कराया था बच्चों लाइव सेशंस के थ्रू, उसमें बताया था कि हर एक व्यक्ति कई तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कोई भी व्यक्ति करता है, स्लाइड्स को आगे बढ़ा सकती हैं जी, और आगे बढ़ेगा, ये मनी का पूरा यूजेज है। हाँ, उससे पहले थोड़ा सा पीछे आ जाइए एक बार। हाँ, आगे बढ़ने से पहले, बैंक के आगे बढ़ने से पहले हम कुछ फॉर्म्स ऑफ मनी है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी है। और अभी मैं, जैसा कि बताया अभी सिमरन जी, अभी मैं एनसीईआरटी के एक वर्कशॉप पे आया हुआ हूँ जी, वहाँ पे हम एक किट और मैनुअल ही प्रिपेयर कर रहे हैं इकोनॉमिक्स को आसानी से अंडरस्टैंड कर सके बच्चे इसके लिए। उसमें एक एक्टिविटी हम इस पर भी इवॉल्व कर रहे हैं कि जो पुराने कॉइन्स हैं उनसे बच्चों को रूबरू करा सकें, उनसे इंट्रोड्यूस करा सकें, उस पर भी एक एक्टिविटी चल रही है। तो सबसे पहले जब मनी की शुरुआत हुई तो कॉइन्स के रूप में, उससे पहले कौड़ियों के रूप में शुरुआत हुई, कौड़ियों के बाद जो है एक डिफिनेट एक फॉर्म निर्धारित हुआ जिसमें कॉइन्स आने लगे। कॉइन्स भी कई तरह के बने। सबसे पहले जो सिक्के बने उसे पंच्ड मार्क कॉइन्स कहते हैं, आहत सिक्के कहे जाते हैं वो। उसके बाद अलग अलग शासकों ने अलग अलग तरह के कॉइन्स इशू किए भारत में भी। कॉइन्स के बाद फिर करेंसीज आई। आप देखिए यहाँ पिक्चर में सभी दिखा रहा है, यहाँ पे कौड़ियाँ भी दिखाई जा रही हैं, उसके बाद केटल्स भी दिखाए गए हैं, उसके बाद आपको पुराने जो है पंच्ड मार्क कॉइन्स भी दिखाए गए हैं, देन गोल्ड कॉइन्स भी दिखाए गए हैं, उसके बाद कुछ मॉडर्न करेंसीज जो हैं वो भी दिखाई गई हैं। तो ये सभी जो है ओल्ड फॉर्म ऑफ मनी है जो इस्तेमाल में आ रहे थे आज़ादी से पहले। नाउ विल डिस्कस अबाउट द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो भी हम अर्न करते हैं, हमारी इनकम क्या होती है, उसका एक हिस्सा हम जमा कर देते हैं बैंक में, जो बैंक डिपॉजिट्स के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा सेकेंड यू कैन सी चेक, थर्ड इज क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड। इसके बारे में मुझे लगता है थोड़ी बहुत जानकारी देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बैंक डिपॉजिट्स क्या होते हैं। बैंक डिपॉजिट्स, हर एक व्यक्ति जो भी कमाई करता है अपनी कमाई का एक हिस्सा सेविंग के लिए जरूर रखता है, ताकि उसे फ्यूचर इस्तेमाल में आ सके, भविष्य की ज़रूरतों में वो इस्तेमाल हो सके। तो हम अपने उस सेविंग को क्या करते हैं, बैंक में जमा करा देते हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट फिजिकली विथ अस, वो फिजिकली हमारे पास नहीं है, बट इट इज़ ऑलवेज मनी फॉर अस। जब भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम बैंक से उसे निकाल सकते हैं, अपने जो भी यूटिलिटी है उस पर उसे खर्च कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज मनी। सेकेंड हमने देखा चेक। चेक फिजिकली नॉट लुक लाइक मनी। अगर हम चेक की बात करें, फिजिकली वो मनी दिख नहीं रहा है, लेकिन उसके लिए क्या होता है, बच्चों ने, आप सभी ने अपने घर में देखा होगा, आपके पापा अक्सर चेक का इस्तेमाल करते रहे होंगे किसी लोगों को, किसी व्यक्ति को उसके काम के बदले में देने के लिए। कभी कभी आपके पापा को भी चेक मिला होगा अपने ऑफिस में जब वो काम करते हैं, या जहाँ भी वो काम करते हैं किसी दूसरी पार्टी से उन्हें चेक मिला होगा। चेक के लिए क्या होता है कि हमें सबसे पहले अपने अकाउंट में पैसे रखने पड़ते हैं, जितने अमाउंट का चेक हमें
दूसरे व्यक्ति को इशू करना पड़ता है। फिर हम एक डिसिसिव डेट देते हैं कि सो एंड सो डेट तक वो व्यक्ति के बाद वो व्यक्ति उस अमाउंट को बैंक से निकाल सकता है। हम उस चेक की लीफ में व्यक्ति का नाम लिख देते हैं, अगर अकाउंट पे ही हो तो उसमें क्रॉस मार्क लगा के अकाउंट पे ही लिख देते हैं, और जितना भी अमाउंट देना होता है वो अमाउंट फिल करके वो डेट जो है हम भर देते हैं। वो व्यक्ति उस डेट के बाद अमाउंट को कभी भी विथड्रॉ कर सकता है। एक बात जरूर ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि चेक इशू करने से पहले हमारे बैंक अकाउंट में पैसे हों, हम चेक पहले भी इशू कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है जब हम विथड्रॉल करेंगे विथड्रॉल का डेट से पहले हमारे अकाउंट में पैसा होना जरूरी है ताकि वो चेक का क्लियरेंस हो सके। और बच्चों ये बात आपको बता दूं कि अगर चेक टाइम पे पेमेंट नहीं होता है तो ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। तो ये बात हमारे बच्चे जो है नोट करके रख सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बात जानना चाहिए कि चेक इशू कभी भी किया तो जा सकता है, पैसे आपके अकाउंट में ना हो तब भी किया जा सकता है, लेकिन जो विथड्रॉल डेट होता है चेक का उससे पहले आपको अपने अकाउंट में पैसे डालने होते हैं ताकि व्यक्ति आसानी से विथड्रॉ कर सके। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपका चेक विथड्रॉल में किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये क्रिमिनल ऑफेंस बन सकता है। नेक्स्ट, आपने देखा डेबिट कार्ड्स एंड प्लास्टिक कार्ड्स। मुझे लगता है आज के डेट में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो जिसने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं देखा होगा। एक छोटी सी चिप लगी हुई कार्ड आपके घर में होगी, आपने अपने पापा के बटुए में जरूर देखी होगी। आप किसी भी काउंटर पे जाते हैं, कई बार आपके पास कैश अमाउंट नहीं है, आप उनके पास एक स्वाइप मशीन होती है, जितने की खरीदारी करी आपने मशीन से उतने अमाउंट को स्वाइप करा देते हैं, आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। बच्चों ये जो ATM कार्ड जो देखते हैं आप, दो तरह की होती हैं, एक डेबिट कार्ड होती है एक क्रेडिट कार्ड होती है, इन्हें प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है। डेबिट कार्ड का मतलब क्या है, आपके अकाउंट में जो अमाउंट है उतने ही अमाउंट का ट्रांजैक्शन आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड के लिए आपके अकाउंट में पैसे होना उस समय जरूरी नहीं है। आपको कंपनी एक तरीके से एक क्रेडिट लिमिट देती है, एक उधार की लिमिट देती है, आप उतने का ट्रांजैक्शन आप हमेशा कर सकते हैं चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो, बट एक बार ट्रांजैक्शन करने के बाद कुछ दिनों की आपको छूट मिलती है और उसके बाद उस समय पे आपको पेमेंट करना जरूरी होता है। सो दीज आर ऑल द फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी। सो नाउ आई थिंक वी शुड गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट द बैंक। जी, इससे पहले हम एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स पर डिस्कस करें, आपको एक ज़रूरी जानकारी दे देते हैं। हमारे पास इस सत्र में केवल 4 मिनट का समय बाकी है। यदि आपके कोई भी प्रश्न हैं तो लिख भेजिएगा हमें dth.class10@cit.nic.in पर। जी सर। जी बच्चों, अभी जैसे ही बताया, थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था कि जो भी हमारा सरप्लस अमाउंट होता है अर्निंग का, हम जो कुछ सेव करते हैं अमाउंट, उसको हम क्या करते हैं, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूशन ढूंढते हैं जहां हमें सेफ्टी भी मिले, हमारे अमाउंट जो है वो सिक्योर भी रहें, और साथ ही उसके बदले हमें कुछ बेनिफिट भी हो। हम उसे क्या करते हैं, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जमा करा देते हैं, वही इंस्टीट्यूशन क्या कहलाता है, बैंक कहलाता है। हम जो अमाउंट जमा करते हैं बैंक में, उस अमाउंट के बदले में बैंक हमें एक डिसिसिव अमाउंट में इंटरेस्ट देती है। अब सवाल उठेगा, देन व्हाट द बैंक डू विद दिस मनी, बैंक उस मनी का क्या करती है फिर। अब जैसे कि हमने बताया, हमारा जो सरप्लस मनी है उसको हम बैंक में जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मनी की आवश्यकता होती है, कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसका बिजनेस बहुत फलफूल रहा है, उसको अपना बिजनेस और आगे बढ़ाना है, उसके लिए अमाउंट चाहिए। कोई व्यक्ति एग्रीकल्चर से जुड़ा है, उसे अपनी फसलों को के लिए कुछ मशीनों को खरीदने की ज़रूरत है, उसके लिए उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, और वो पैसे कहाँ से आते हैं, ये लोग वो पैसे बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। बदले में वहाँ क्या होता है, जैसा हमें जमा करने के बदले में कुछ इंटरेस्ट मिलता है, वैसे अगर वो व्यक्ति बैंक से वो पैसे लेते हैं तो बदले में बैंक उनसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो बैंक के द्वारा इंटरेस्ट लेना और बैंक के द्वारा इंटरेस्ट देना, ये जो है बैंक की मेन एक्टिविटी है, इसी से बैंक का पूरा फंक्शन कार्य करता है। हम जो जमा करते हैं उसके बदले वो डिपॉजिट के नाम से जाना जाता है,
और जो व्यक्ति बैंक से अमाउंट लेता है अपने काम के लिए, दैट इज नोन एज लोन. इस अमाउंट को लोन के नाम से जाना जाता है. नाउ बच्चों, जब हम लोन की बात करें, लोन को दूसरे टर्म में क्रेडिट भी कहा जाता है. एंड क्रेडिट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग. क्रेडिट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. समटाइम इट्स प्ले. सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रेडिट है क्या. क्रेडिट और लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न टू द प्रोमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट. यानी हमें जल्दी से हम अपने बच्चों को क्रेडिट के बारे में समझा देते हैं. जी जी बिल्कुल. हमारे पास केवल एक मिनट का समय बाकी है. जी, हम जिस भी काम करने के बदले में हम कुछ पैसे जो उधार लेते हैं, इसी उधार लिए गए पैसे को कि हम एक निश्चित टाइम पे एक निश्चित अमाउंट के साथ हम क्या करेंगे, वापस करेंगे. दिस टर्म एंड कंडीशन इज नोन एज क्रेडिट. एंड बच्चों, क्रेडिट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट समटाइम इट प्ले पॉजिटिव, देन समटाइम इट आल्सो प्ले नेगेटिव रोल. हम इस चीज को अगले सेशन में डिस्कस करेंगे. जी, मुझे लगता है सुशील जी, हमने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इस सेशन में वो सब कवर कर लिया मनी एंड क्रेडिट के अंतर्गत. नहीं जी, इसका एक सेशन और होना है. उस सेशन में जो है रेस्ट चीज़ें कि क्रेडिट कैसे रोल प्ले करती हैं, या बैंक्स में बैंक्स का सुपरविजन कौन करता है, ऐसे कई सारे पहलू हैं जो उसके सेकंड सेशन में हम लोग डिस्कस. हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि अगले सत्र में हम इन सभी टॉपिक्स को इंक्लूड कर पाए. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुशील सर हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में बनने के लिए और मनी एंड क्रेडिट के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए. आप सबका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. विल बी बैक विद इन फ्यू मिनट्स विद अनदर सेशन ऑफ मैथमेटिक्स. टिल देन स्टे ट्यून्ड विद एनसीईआरटी. नमस्कार.